हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर विकास सिंह भदौरिया आज के इस वीडियो में आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूँ अबाउट द साइट सिलेक्शन फॉर एन इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया था कि सब स्टेशन क्या होता है, सब स्टेशन को हम किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, कंपेरिजन बताया था इनडोर वर्सेस आउटडोर सब स्टेशन के बीच में, और उसके बाद हमने कुछ ट्रांसफार्मर सब स्टेशंस के बारे में भी डिस्कशन किया था। अब आज के वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगा कि आपको इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन जब इंस्टॉल करना है किसी लोकेशन पर तो उसके लिए कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास उसका इमीडिएट नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो अबाउट द साइट सिलेक्शन फॉर एन इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन। तो जो पहला पैरामीटर है जिस पर साइट सिलेक्शन या लोकेशन आइडेंटिफिकेशन डिपेंड करता है वो है टाइप ऑफ सब स्टेशन, मीन्स सब स्टेशन किस टाइप का है, सब स्टेशन स्टेप अप है या स्टेप डाउन है। अगर मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि जो सब स्टेशन है वो स्टेप अप टाइप का है, यानी हमें जो वहाँ पर ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करना है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, तो इसको हम इस ऐसी लोकेशन पर रखेंगे, इस लोकेशन पर इंस्टॉल करेंगे जहाँ पर जनरेटर पास में हो, क्योंकि जनरेटर के नियर बाई रखेंगे तभी हमें वहाँ पर जैसे ही जनरेटर से आउटपुट मिलेगा उसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करके स्टेप अप करके और ट्रांसमिट कर सकते हैं फॉर लॉन्गर डिस्टेंस। और अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो ये इसको हम लोकेट करेंगे, इट शुड बी लोकेटेड नियर द लोड सेंटर जहां पर एंड यूज़र ज़्यादा से ज़्यादा हैं, और इसका जो मेन पर्पज़ है उस जगह पर इंस्टॉल करने का सो दैट हम ट्रांसमिशन लॉसेस को मिनिमाइज कर सकें, कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकें, और जो रिलायबिलिटी है सप्लाई की वो मैक्सिमम बनी रहे। तो स्टेप अप को हम नियर टू जनरेटर एंड कनेक्ट लोकेट करेंगे, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर या फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जहाँ पर यूज करना है उसको हम उस लोकेशन पर यूज करेंगे जहाँ से लोड सेंटर नियर बाई है। जो दूसरा पैरामीटर है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल एंड सफिशियंट लैंड, मींस ऐसी जगह पर हम जो सब स्टेशन के लिए आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसी जगह सब उस सब स्टेशन के लिए आइडेंटिफाई करेंगे जहाँ पर जो लैंड है दैट शुड बी सफिशियंट, और जो लैंड सफिशियंट लैंड है उसके लिए जो क्राइटेरिया क्या है, दैट शुड बी ऑन लेवल, ऊंची नीची नहीं हो, और दैट शुड बी ओपन फ्रॉम ऑल साइड। ये जो ओपन फ्रॉम ऑल साइड है इसका मेन पर्पज़ क्या है कि एक तो प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहेगा, एयर पास होगी एक साइड से दूसरे साइड में तो कूलिंग बेटर होगी, जो इक्विपमेंट्स इंस्टॉल होंगे सब स्टेशन पर उनके, और दूसरा अगर कभी मेंटेनेंस पर्पज़ से ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर मूवमेंट आसान रहेगी। दूसरा, कभी भी वाटर लॉक नहीं होना चाहिए उस पर्टिकुलर लोकेशन पर। अगर वाटर लॉगिंग होगी और पर्टिकुलरली रेनी सीजन में तो वहाँ पर क्या होगा, पानी भरा रहेगा और जो पर्सनल वहाँ पर काम कर रहे होंगे, जो लोग वहाँ पर काम करेंगे उनको इलेक्ट्रिक शॉक की जो चांसेस हैं वो क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, तो वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़, जब जिस लोकेशन पर सब स्टेशन इंस्टॉल कर रहे हैं वहाँ से जो ट्रांसमिशन लाइन के लिए अप्रोच है दैट शुड बी मिनिमम, मतलब आसानी से ट्रांसमिशन लाइन वहाँ पर हम इंस्टॉल कर पाएँ, उन उस ट्रांसमिशन लाइन के इंस्टॉल में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आना चाहिए, आसपास ऐसी ऐसा एरिया ना हो कि ट्रांसमिशन लाइन को बनाने में किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन आए। तो जब सब स्टेशन के लिए लैंड आइडेंटिफाई करना है उस टाइम पर ये पॉइंट भी ध्यान रखना चाहिए कि सब स्टेशन बनाने के बाद वहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन
का भी काम स्टार्ट होगा, ट्रांसमिशन लाइन को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर एरिया में, तो उस वर्क में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आना चाहिए। और इस वजह से जो भी सब स्टेशन के लिए लोकेशन आइडेंटिफाई करना है वो कौन कौन से एरिया के आसपास नहीं होना चाहिए। एक तो एयर ड्रम मतलब एयरपोर्ट के आसपास ना हो, शूटिंग रेंज के आसपास ना हो, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, जिससे अगर कभी ट्रांसमिशन लाइन का एक्सपेंशन करना है तो कोई ऑब्स्टेकल इस तरीके का ना आए कि जहाँ से ट्रांसमिशन लाइन पास नहीं कर सकता। दूसरा है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कम्युनिकेशन फैसिलिटी। ऐसी जगह पर सब स्टेशन बनाना चाहिए जहाँ पर कम्युनिकेशन आसान हो। ये जो कम्युनिकेशन है ये किसी भी टाइम हो सकता है, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन और आफ्टर द कंस्ट्रक्शन, क्योंकि जब सब स्टेशन बना रहे हैं उस टाइम पर भी वहाँ आना जाने की रिक्वायरमेंट होगी। जो काम करने वाले लोग हैं वो जाएंगे, जो इक्विपमेंट्स हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। तो इसलिए बेटर कम्युनिकेशन के लिए एक ऐसी साइड आइडेंटिफाई करना जहाँ पर एग्जिस्टिंग रोड हो, यानी रोड का एक्सेस आसानी से हो, जहाँ तक रोड जाती हो, जिससे क्या हो कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो थोड़ी सी डिक्रीज हो जाए और वो ट्रांसपोर्टेशन है वो इजी हो जाए। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। कभी भी सब स्टेशन को ऐसे एरिया में नहीं लगाना चाहिए जहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा हो, जैसे नियर द फैक्ट्री, क्योंकि फैक्ट्री से जो पोल्यूशन निकलेगा वो सब स्टेशन को डैमेज करेगा, या फिर सी कोस्ट के आसपास नहीं लगाएं क्योंकि वहाँ पर जो ह्यूमिडिटी रहेगी वो ह्यूमिडिटी सब स्टेशन इक्विपमेंट्स को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो कभी भी इन एरियाज में नियर टू फैक्ट्री और सी शोर इन जगह नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे सब स्टेशन के इक्विपमेंट्स को हार्म हो सकता है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ इसेंशियल फैसिलिटीज टू द स्टाफ। जब भी कहीं सब स्टेशन बन रहा होगा या फिर बन चुका होगा, दोनों के बाद वहाँ पर कुछ स्टाफ काम करेगा, तो जो भी स्टाफ वहाँ पर काम कर रहा है ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन और आफ्टर द कंस्ट्रक्शन, उनको इसेंशियल फैसिलिटीज़ मिलती रहें, ऐसी लोकेशन आइडेंटिफाई करना चाहिए। इसेंशियल फैसिलिटीज़ लाइक अगर वो वहाँ रह रहे हैं तो स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, आसानी से पीने का पानी मिल जाए और रहने के लिए जगह मिल जाए। अगर ये सारी फैसिलिटीज़ आसानी से मिल जाती हैं तो वहाँ पर स्टाफ जो काम कर रहा है उसके लिए लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाएगी। तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम सब स्टेशन के लिए लोकेशन सेलेक्ट कर रहे हैं। ड्रेनेज फैसिलिटी, जो हमने पहले भी एक पॉइंट कंसिडर किया था कि वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाटर लॉगिंग से डैमेज हो सकते हैं सब स्टेशन इक्विपमेंट्स। तो इसलिए टू अवॉइड दैट द ड्रेनेज अरेंजमेंट शुड बी प्रॉपर, ये पॉइंट ध्यान में रखना है जब भी हम नई लोकेशन आइडेंटिफाई करना है सब स्टेशन के लिए। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिनको हमें जब भी सब स्टेशन के लिए कोई लोकेशन आइडेंटिफाई कर रहे हैं, साइट सिलेक्शन कर रहे हैं, तो इनको ध्यान में रखना चाहिए। इन पॉइंट्स को कंसिडर किया है इस वेब पेज मैंने रेफरेंस में मेंशन किया हुआ है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हाँ शेयर ज़रूर कीजिए। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।